हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर। सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर क्यों बात करेंगे? क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। उनके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है सेमेस्टर के रिलेटेड, कॉलेज क्लास के रिलेटेड, अटेंडेंस के रिलेटेड, PYQs के रिलेटेड, बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है उनके माइंड में। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो और आप अपने सेमेस्टर के प्रिपरेशन को और बेटर कर पाएँ। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो सब क्वेश्चन को यहाँ पे हम वन बाई वन देखेंगे और मेरा ये कोशिश रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे गाइड कर पाए। ओके गाइज, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है क्या करें? कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है क्या करें? तो कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो तैयारी करेंगे और क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ है तो तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करना है वो वन बाई वन देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है तो क्या, कुछ नहीं हुआ है तो क्या करना है? कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो अब तैयारी करना है गाइस। ठीक है, इस वीडियो के देखने के बाद तो एटलीस्ट तैयारी करना ही है अब। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो क्या करना है? अब तैयारी करना है। कैसे करना है वहाँ पे वन बाई वन लिखेंगे। तो यहाँ पे अब तैयारी करना है, तो अब तैयारी करना है, ठान ली है, तो अब कैसे करना है वो देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने ही हमको सेंड किया है क्या? कॉलेज का लेक्चर समझ नहीं आता है तो क्या करूँ? कॉलेज नहीं जाऊँ क्या? कॉलेज का लेक्चर समझ नहीं आता है, कॉलेज में जो प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, फैकल्टी लोग पढ़ाते हैं, वो समझ में नहीं आता है तो क्या करूँ? कॉलेज नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे कॉलेज तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी है, तो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉलेज जाना है और यहाँ पे कहिएगा आप कॉलेज जा रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, वहाँ पे टाइम पास हो रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ वहाँ पे, तो कॉलेज में जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 10% समझ में आ रहा होगा। मान लेते 90% समझ में नहीं आता, कम से कम ये तो पता चल रहा होगा टॉपिक कौन सा चल रहा है। ये हमें वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर वो भी नहीं पता चल रहा है कौन सा टॉपिक पता चल रहा है, सॉरी कौन सा टॉपिक कभी चल रहा है, अब अगर वो भी आपको पता नहीं चल रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा अगर है टॉपिक भी समझ में नहीं आता है तब तो आपको कॉलेज रेगुलर जाना चाहिए, क्लास भी रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, तो कॉलेज का लेक्चर समझ में नहीं आता क्या करना है? मैं बताऊँ तो मैं क्लास जाता था, समझ में आए चाहे ना आए क्लास जाता था। क्यों जाता था वो हम लास्ट में बताएंगे, जो आपने कैसे तैयारी किया था। एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने कैसे पढ़ा था ये बताइए, तो वो हम क्वेश्चन लेंगे तब हम बताएंगे मैं क्लास क्यों जाता था डेली। ओके गाइस, डेली मतलब जब भी अपना कोशिश करता था 100% अटेंडेंस रहे। ओके गाइस, तो कॉलेज का लेक्चर समझ में नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? कॉलेज नहीं जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। बहुत सारा चीज़ है, पहला तो वही जहाँ फैकल्टी के नज़र में रहोगे तो मिड सेमेस्टर में अच्छा नंबर आएगा। ओके, दूसरा है उसमें अटेंडेंस कंपलसरी ही है। तीसरा रीजन है कुछ ना समझ में आया तो 10% समझ में आएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे से वो है, यूट्यूब पर लेक्चर नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पर लेक्चर मिल ही नहीं रहा है। तो यूट्यूब पर लेक्चर नहीं मिल रहा है तो जितना मैं जानता हूँ आपको लोगों को फिजिक्स का लेक्चर नहीं मिल रहा होगा। अगर सेमीकंडक्टर फिजिक्स का बात करें तो उसका लेक्चर यूट्यूब पे नहीं है, अगर है भी तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, मतलब फुल्ली इंग्लिश में है, तो जिनको इंग्लिश आता है वही समझ पाएंगे उस लेक्चर को। नहीं तो लेक्चर नहीं मिल रहा है, अगर आप लोग NPTEL का देख सकते हैं, NPTEL का आपका समझ में आता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि NPTEL का हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का लेक्चर है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का लेक्चर है। तो ऐसा नहीं कह सकते जहाँ लेक्चर नहीं मिल रहा है, NPTEL का है वो कह सकते हैं। जहाँ फुल्ली जो मेरा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसके रिलेटेड जो यहाँ पे फुल्ली फोकस्ड उसमें नहीं किया गया है, वैसा कुछ लेक्चर नहीं है, लेकिन टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मॉड्यूल 1 सेमीकंडक्टर का ही बात करें, तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 किसी एक मॉड्यूल में लेजर के बारे में पढ़ना है, LED के बारे में पढ़ना है, तो अब जब लेजर लिखिएगा ना, लेजर इंजीनियरिंग फिजिक्स ऐसे लिखिएगा तो आपको बहुत सारा लेक्चर आएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर मिल जाएगा आपको टॉपिक वाइज। अगर मॉड्यूल वाइज नहीं मिल रहा है तो टॉपिक वाइज देखिए, लेकिन लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, लेक्चर नहीं मिल रहा है तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, लेक्चर मानते हैं नहीं मिल रहा है, फुल्ली नहीं मिल रहा है, लेकिन टॉपिक वाइज तो मिल रहा है ना। ओके, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो भला है, कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ तो मिले। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। क्या? नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। तो नोट्स प्रोवाइड करवा देने के लिए यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर हमने करवा दिया था, और मैथमेटिक्स जो कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स है वो भी हमने नोट्स पूरा जो भी है वो सेंड करवा दिया था। उसके बाद BEE का भी नोट्स हमने शेयर किया है, तो वहाँ पे सिर्फ एक का हमने नहीं किया है सेकेंड सेमेस्टर CSE ब्रांच में, जो कि है EGD, क्योंकि EGD का नोट्स वैसे डायग्राम बना बना के उसमें उतना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने EGD का नोट्स प्रिपेयर किया। अपने स्टैम भी नहीं किया था नोट्स प्रिपेयर अच्छे से, तो हम कैसे नोट्स पर हमने जिस जिसका नोट्स बनाया था अपने टाइम पे सेकेंड सेमेस्टर में वो हमने शेयर किया है, जैसे कि मैथ का हो गया, सेमीकंडक्टर का हो गया,
और उसके बाद BEE का हो गया, तो वो तीनों हमने नोट्स प्रोवाइड किया है। ओके ये हो गया, तो नोट्स प्रोवाइड हमने तीनों का करवा दिया है। और बचा EGD का, तो EGD का आप जब भी उस EGD का जब तक प्रैक्टिस करिएगा नहीं तब तक होगा कैसे, उसमें नोट्स देख के भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में ये हाल रहता है, जो सामने वाला अगर दिखा भी रहा है तो जैसा डायग्राम है वैसा ही घिस देते हैं विदाउट स्केल लगाए, ठीक है। तो वहाँ पे वो EGD प्रैक्टिस का चीज़ है, तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा तब तक नोट्स भी मिल जाएगा, बुक भी मिल जाएगा, तब भी आप उसको एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अगर कभी किया जाएगा तो आप गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब तक वहाँ पे मेजर नहीं करेंगे EGD में तब तक वो सॉल्व होने वाला है नहीं। ओके और यहाँ पे आप पता भी चल रहा होगा आपको, क्या फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर से EGD हटा दिया गया है CSE में से। ओके तो ये तो जो नया ब्रांच आ रहा है उसके लिए सही है, सही भी है, और एक पॉइंट से देखा जाए तो गलत भी है, ठीक है, लेकिन उस पर अभी बात नहीं करते हैं। ओके गाइज, तो अब उसके बाद क्या है, PYQs नहीं बन रहा है। तो PYQs तब ना बनेगा जब पूरा सिलेबस पढ़िएगा, ठीक है। जब वैसे भी PYQs नहीं बन रहा है तो क्या करना है, पूरा सिलेबस पहले पढ़ना है, सिलेबस नहीं पढ़ रहा है, और सिलेबस अगर PYQs पे ही आपको करना है, PYQs ही हमको करके जाना है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ 99% करते ही हैं, सिलेबस पढ़े चाहे ना लेकिन PYQs बनना चाहिए, ठीक है। तो PYQs नहीं बन रहा है तो क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हैं जिस पी जो पी पी वाई के या जिस जो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लें, उसके बाद उसको सॉल्व करें, तो वो बन सकता है। ओके नहीं तो आपको पूरा पहले सिलेबस पढ़ के जाना है, उसके बाद PYQs बनाना है। ओके गाइस, उसके बाद एक और क्वेश्चन बोला गया था, क्या सेकेंड सेमेस्टर का भी PYQs करवाने के लिए मेरे को, सेकेंड सेमेस्टर का भी PYQs करवाने के लिए मेरे को। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो सेकेंड सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट मुझे उतना अच्छा से आता नहीं है, तो मैं PYQs नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे हो सकता है मैं मिस्टेक कर दूँ और वही आप लोग जाके एग्जाम में मिस्टेक कर दें, तो इसलिए मैं PYQs नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अगर ट्राई करूँगा तो मैं PYQs करवा सकता हूँ, पहले उसके लिए खुद जो पढ़े थे सेकेंड सेमेस्टर में खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भूल गया हूँ क्या क्या था। ओके गाइज, तो अगर आप लोग चाहते हैं जहाँ PYQs करवाना है सेकेंड सेमेस्टर का तो बता दीजिए, बहुत ज़्यादा बहुत सब बहुत लोग होंगे, बहुत स्टूडेंट होंगे तभी उसको हम करवाएंगे, ठीक है, नहीं तो करवाने का कोई फायदा होगा नहीं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तभी करवाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे करवाने का, अब ऐसा नहीं करवाएंगे मतलब पूरा 100% श्योर है, ठीक है, मेरे को आएगा तो मैं करवा दूंगा गाइस, लेकिन ऐसा हम इस पे फुल्ली कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ। अगर मेरे को आए मेरे से अगर PYQs बन जा रहा है तो जो क्वेश्चन बन जा रहा है उसको हम डिस्कस कर देंगे जब PYQs डिस्कशन। ओके गाइस, इसके लिए आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा जहाँ सेकेंड सेमेस्टर का भी PYQs करवाना है, तभी ये आएगा नहीं तो नहीं आएगा। ओके गाइस, अब उसके बाद PYQs आएगा नहीं एग्जाम में, PYQs आएगा या नहीं एग्जाम में, तो इसका बात करें तो एक दूसरे का ट्रेंड देख रहे हैं तो PYQs आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है, 50% से ज़्यादा PYQs आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको PYQs पे आप डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कोई कोई ब्रांच में PYQs आया ही नहीं है, कोई कोई ब्रांच में PYQs आया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको ओनली PYQs पे फोकस नहीं रहना है, PYQ पे जो क्वेश्चन कंसेप्ट लग रहा है उस कंसेप्ट पे आपको फोकस रहना है, उस कंसेप्ट पे फोकस रखना है और अपने सिलेबस पे फोकस रखना है। तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आया है PYQ में उसी क्वेश्चन को आप रट लीजिए कैसे भी, वो सिर्फ वही क्वेश्चन बन जाए बात खत्म है, नहीं, उस क्वेश्चन पे जो कंसेप्ट लग रहा है अगर उस कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो आपको बनना चाहिए, तब बोलते हैं PYQ सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से, नहीं तो सिर्फ वही क्वेश्चन कर रट लेने से क्या फायदा गाइस। PYQ आएगा या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा चांस है जब PYQ आएगा लेकिन कम आएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा भी आ सकता है ऐसा हम चांस बता रहे हैं जहाँ कम है, क्योंकि ऑल ब्रांच में देख रहे हैं, ऑल ब्रांच सब में देख रहे हैं PYQs धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो PYQs जाएगा नहीं लेकिन आएगा, लेकिन हाँ उतना उतना आ जाएगा जिससे आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। ओके गाइज, अब ऐसा नहीं जो PYQ डिटो हो जाएगा, हो सकता है डाटा चेंज हो या फिर कंसेप्ट चेंज हो, कंसेप्ट वही रहे सिर्फ क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकता है, जनरली मैथ का बात करें तो मैथ में रिपीट करता ही नहीं है, मैथ में रिपीट करता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा बोले तो अगर करता होगा तो अलग बात है, लेकिन जितना हम अभी तक एग्जाम दिए हैं मैथ में PYQs रिपीट करता ही नहीं है, तो PYQs पे डिपेंड नहीं रहना है और PYQs पे डिपेंड नहीं रहना है और पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं तो कम से कम 60% 70% पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, और एटलीस्ट PYQ में जो भी कंसेप्ट लग रहा है वो कंसेप्ट तो पूरा पढ़ के जाना है, एटलीस्ट उतना तो करके जाना ही है। ओके उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्या मोर वेटेज टॉपिक कौन सा है, तो मोर वेटेज टॉपिक या फिर मॉड्यूल का बात करें तो आप जब PYQs उठाएगा तो हर एक मॉड्यूल से एक एक क्वेश्चन रहता ही है, एक मॉड्यूल से हर एक मॉड्यूल से एक एक क्वेश्चन रहता ही है, अगर जब बड़ा मॉड्यूल है तो उसे दो क्वेश्चन रह सकता है, अगर छोटा मॉड्यूल है तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं जी हाँ इस मॉड्यूल पढ़ लो वो मॉड्यूल पढ़ लो आ जाएगा,
ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा कोई एक सब्जेक्ट में 5 मॉड्यूल मान के चलते हैं, एक सब्जेक्ट में 5 मॉड्यूल है। अगर क्वेश्चन नंबर वन में जो मेरा है 14 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 14 नंबर 1 में मान लेते हैं मेरा 2 क्वेश्चन देना पड़ता है, तो हो सकता है एक मॉड्यूल 1 से दे दे, एक मॉड्यूल 6 से दे दे, या फिर जो भी लास्ट मॉड्यूल 5 हो उससे दे दे, तो वहाँ पे तो आप कहिएगा 7 नंबर आ गया। तो यहाँ पे इसलिए पूरा मॉड्यूल पढ़ के जाना जरूरी होता है, क्योंकि हम तो बोल देंगे हाँ ये सब मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है पढ़ लो, अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन उस मॉड्यूल से दे दिया, दूसरा क्वेश्चन कहीं और मॉड्यूल से दे दिया, तो सिर्फ 7 नंबर मिलेगा, वहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पूरा मॉड्यूल पढ़ के जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है कर लो, ठीक है, तो पूरा मॉड्यूल पढ़ के जाना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करें तो हमने जब PYQs देखा था तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटना स्टार्ट किया, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम छांटना स्टार्ट किया तो पता चला पूरा टॉपिक मिल गया, ठीक है, मतलब 90% टॉपिक हमारा मिल गया, ठीक है, तो इसलिए हम उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट नहीं लाए हैं, क्योंकि जब हमने वहाँ पे देखने गया तो पूरा पता चला पूरा तो वहाँ पे है ही, तो और इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करें तो PYQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है गाइस, तो PYQ में जो क्वेश्चन आया है जो कॉन्सेप्ट आया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि हम भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बनाते तो हम भी PYQ से ही बनाते, तो वो तो काम आप खुद कर सकते हैं, आप खुद करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पता चलेगा जहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करें तो PYQ देखिए वही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जब आप EGD पढ़ रहे हैं, BEE पढ़ रहे हैं और मैथ पढ़ रहे हैं, तो EGD का बात करें, EGD शायद फर्स्ट में स्केल पढ़ना है, दूसरे में वो जो पॉलिनोमियल होता है वो सब पढ़ना है, और तीसरा में शायद लाइन पढ़ना है, उसके बाद प्लेन पढ़ना है, ऐसे कुछ पढ़ना है। तो EGD का बात करें तो EGD जब तक आप लैब में प्रैक्टिस नहीं करिएगा, खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक आपको नहीं आएगा। आप कितना भी किताब पढ़ लीजिएगा, कितना भी देख लीजिएगा ऐसे ऐसे बना है, जब तक आप खुद नहीं करिएगा तब तक आएगा ही नहीं EGD, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, अगर एग्जाम में भी आपको कॉपी साथ में दे दिया जाए, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप फिर भी बना तो लेंगे लेकिन वो गलत होगा, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है तो 1 नंबर मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे EGD में हमको स्केल बाई स्केल मेजर करना है पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे देखना पड़ता है, तो EGD आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक आएगा नहीं। प्रैक्टिस क्या करना है, एक क्वेश्चन या फिर एक कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपको आपको आ जाएगा, ठीक है। जनरली हम स्केल जब बनाते हैं तो 1, 2, 3 टाइप का स्केल होता है, तो तीनों टाइप का स्केल है, 1-2 बार बना लीजिए। अगर आप लैब करें तो लैब में तो बनाना ही होता होगा, लैब अगर करते हैं EGD का तो आपको EGD में उतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो EGD पूरा प्रैक्टिस का चीज़ है, जब तक यहाँ पे हम ऐसा बोल देंगे यहाँ से ऐसा कर लो तो नहीं, हम यही कहेंगे EGD प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप वहाँ पे आप जल्दी करिएगा एग्जाम में, उतना ही जल्दी आप अपना पूरा EGD का पेपर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद BEE का बात करें तो BEE में क्या है, थ्योरी भी आता है न्यूमेरिकल भी आता है, तो आपको ये PYQ एनालाइज करना है, और वहाँ पे जनरली फर्स्ट मॉड्यूल में AC पढ़ना है, सेकंड मॉड्यूल में DC, सॉरी सेकंड मॉड्यूल में शायद DC है वैसा है, तो फर्स्ट मॉड्यूल में वो 4 थ्योरम है, 4 थ्योरम के ऊपर वो सर्किट सॉल्विंग आता है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में क्या है वो AC उसी 3 फेज 2 फेज, बस वहाँ पे न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, ट्रांसफार्मर है, उसके बाद मशीन भी है, तो वहाँ पे PYQ देख लीजिए EGD में, और उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे PYQ से टॉपिक निकालिए, उस टॉपिक को पढ़िए, नहीं तो आपको हमारा सजेशन यही रहेगा पहले पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, हम लास्ट में बताएंगे हमने कैसे किया था, ठीक है। तो BEE क्या है, न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है, तो आपको दोनों पर फोकस करना पड़ेगा, फॉर्मूला पर भी फोकस करना पड़ेगा। ओके, और मैथ का बात करें तो मैथ जनरली CS में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पढ़ना है, तो वो सब तो आप 12th में पढ़ के आए ही होंगे, तो वहाँ पे मैथ में तो ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी हो रहा है तो आप क्या करिएगा, कंसेप्ट पहले पढ़िए, पहले कंसेप्ट पढ़िए, उसके बाद अगर मान लेक्चर नहीं मिल रहा है तो, लेक्चर नहीं मिल रहा तो हमने बताया NPTEL का, देखिए NPTEL का पूरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। ओके, उसके बाद फिजिक्स का तो लेक्चर भी नहीं है, लेकिन NPTEL का आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो ये इसमें अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम यही कहेंगे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिएगा तभी वो आएगा, ठीक है। तो ये सब में आपको प्रैक्टिस करना है। अब मेन यहाँ पे ये आता है लास्ट में, क्या हमने कैसे किया था, मैंने कैसे किया था सेकेंड सेमेस्टर में, तो मैंने ये किया था क्या, हम तो यही जनरली हम अगर हॉस्टल में ही रहते थे तो हॉस्टल में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पे जनरली हम सो ही जाते थे, वहाँ पे पढ़ते लिखते हैं नहीं थे रूम पे। ओके, तो इसलिए हम क्या करते थे, क्लास ही जाते थे, तो क्लास में जाते थे तो कुछ तो पढ़ लेते थे, क्लास में जाते थे जनरली बताया तो मेरा भी वही आया था, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी क्लास जाते थे, कुछ नहीं तो कुछ तो समझ में आता था, कम से कम ये तो समझ में आ रहा है टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे इंगेजमेंट रहते थे तो क्लास हमेशा जाते थे, ठीक है, हमेशा मतलब पॉसिबल करते थे हमेशा क्लास जाएँ, वैसे भी हॉस्टल में बैठ कर करना ही क्या है, ओके, पढ़ना लिखना तो है नहीं, इसलिए क्लास जाते ही थे।
ओके गाइस, तो क्लास जाते थे रेगुलर, पर कुछ कुछ पढ़ते ही थे। अब ऐसा हम अपना बताएं, आप लोग ऐसा करिएगा चाहे नहीं करिएगा, हम क्या करते थे। अब मिड सेमेस्टर का बात कर, मिड सेमेस्टर पहले तक, मिड सेमेस्टर से पहले तक तो जितना पढ़ते थे वहाँ पे टीचर लोग थे वो पूछते थे तो पढ़ना पड़ता था। क्लास में जो पढ़ते थे वो कोई कोई टीचर पूछते थे तो पढ़ना पड़ता था, इसलिए मिड सेमेस्टर से पहले तक मेरा आधा सिलेबस ऐसे कह सकते हैं अच्छा हो जाता था, क्योंकि मिड सेमेस्टर के लिए पढ़ना ही पड़ता था। तो मिड सेमेस्टर के लिए पढ़ना पड़ता था तो आधा सिलेबस या फिर एक दो मॉड्यूल तो एटलीस्ट हो ही जाता था मिड सेमेस्टर तक। तो मिड सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ता था तो आधा सिलेबस तो वैसे ही हो गया मिड सेमेस्टर तक। अब मिड सेमेस्टर का बात करें तो क्लास जाते थे, कुछ समझ में आया कोई बात नहीं, जाते थे क्लास जाते थे, क्या चल रहा है वो सब देखते थे बस। उसके बाद एग्जाम का जो डेट आता था, एग्जाम से 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले, जनरली सभी लोग यही करते हैं एग्जाम से 1 महीना पहले, हम तो 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले स्टार्ट कर देते थे, कितना तो 1-2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपना बात करता हूँ, हमने क्या करता था वही 15 दिन 1 महीना पहले स्टार्ट करता था, और उसके बाद पी वाई क्विज करना स्टार्ट करता था। पी वाई क्विज करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या बेनिफिट मिलता था, जो हम क्लास करते थे तब वहाँ से क्लास वाला रिकॉल हो रहा था, जहाँ सर ने यहाँ पे ये पढ़ाया था तो वो क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आया फिर भी यह हमारा यही रहेगा, जाइए क्या करिएगा हॉस्टल में बैठ कर। ठीक है, अगर आप बाहर रहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हॉस्टल में बैठ कर करना ही क्या है, हॉस्टल तो इसलिए ज्वाइन ही किया था क्लास जा सके। ओके, तो क्लास जाइए, कुछ ना समझ में आया फिर भी जाइए, कुछ तो समझ में आएगा। और जब पी वाई कुछ करिएगा लास्ट में तो आपको वो जरूर हेल्पफुल मिलेगा। हमने यही किया था क्या, क्लास मिड सेमेस्टर से पहले तक मिड सेमेस्टर के लिए पढ़ना पड़ता था तो आधा सिलेबस तो वैसे ही हो गया, आधा सिलेबस बचा वो हम एग्जाम से 1 महीना पहले करते थे। तो यही मेरा कहानी था, जनरली वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात है ना, बस आराम से पढ़ते जाइए हमेशा हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन को होगा, जो भी आपका कन्फ्यूजन रहा होगा वो दूर हुआ होगा। ये लगभग 16-17 मिनट का वीडियो होगा गाइस, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। तो आई होप आपको ये सब जो भी वीडियो है इससे आप कुछ हेल्प तो मिला ही होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस, या फिर हमको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोशिश करेंगे अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, आपके सेमेस्टर में और अच्छा करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जो भी क्वेश्चन हो या फिर पी वाई क्विज वाला जो था वो आप करना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा गाइज। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से सेमेस्टर का प्रिपरेशन करिए।